Hello everyone, welcome to chemistry class. Today we will discuss about our next topic in this chapter 3, classification of elements, periodicity in properties. So isse related aapka jo next one topic hai, that is our modern periodic table, or you can say modern periodic law. So let's see, according to the modern periodic law, the properties of elements are the periodic function of their atomic. वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा था तो वहां पर था आपके पास एटॉमिक वेट, और ये है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो यहां पर आएगा एटॉमिक नंबर. सो दैट मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स विच इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द फ्यू पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. The nuclear charge on the atom is equal to the atomic number. जो nuclear charge होगा आपके पास वो हमेशा atomic number के equal रहता है. तो जैसे example आप समझ सकते हैं, lithium number आपके पास 3 है, तो यहाँ पर आपके पास जो number है atomic number वो 3 है, और यही आपके पास क्या होगा इसका nuclear charge, और nuclear charge को Z से represent करते हैं इसके. Mosley provide प्रूव दैट द सीक्वेंस रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ऑफ द रे विच आर ओटेन फ्रॉम ए मेटल ऑन सोवरिंग हाई वेलोसिटी एट इलेक्ट्रॉन्स इज प्रपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो ये जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड आपके पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, न्यूक्लियर चार्ज. तो दैट मीन्स रूट ऑफ न्यू इक्वल टू ए ब्रैकेट जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज. तो ये फॉर्मूला आपके पास रहता है. अब यहाँ पर जेड का मीनिंग सिंपल से क्या होगा, आपके पास जेड इज योर न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम एंड ए एंड बी. ये भी पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू के अंदर, ए एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर. Now come to the next one. The periodic table has a total of 7 periods. So total number of periods यहाँ पर कितने होते हैं? 7 periods and total number of groups are 18 groups. Clear? No doubt नहीं है इसके अंदर. There are 2 elements in the first period, 8 elements in each of the second. मतलब सिंपल सी अगर यहाँ पर लैंग्वेज में आपको बताऊँ, फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होंगे और आपके पास सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट. क्लियर है? थर्ड पीरियड 18 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ के अंदर आपके पास क्या होंगे, 18 एलिमेंट. जबकि फिफ्थ पीरियड 32 एलिमेंट्स होंगे वहां पर, और सिक्स्थ पीरियड एंड ओनली 19 एलिमेंट्स. टोटल जो 19 एलिमेंट्स आपके 7 पीरियड्स के अंदर. क्लियर? तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार. फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड के अंदर आपके आपके आएंगे 8 एलिमेंट्स, और थर्ड पीरियड के अंदर आएगा आपका 18 एलिमेंट्स, दैट मीन्स 18 एलिमेंट्स आएंगे, और फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए आपके आएगा 32 एलिमेंट्स, और सिक्स पीरियड के लिए आपका आएगा 19 एलिमेंट्स, 32 सिक्स के लिए आएगा 32, और सेवन के लिए आएगा 19 एलिमेंट्स. क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन है आपका अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अब इसके अंदर कुछ सब कैटेगरी बनी हुई है पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के अंदर. जैसे स्पेशल कैटेगरी है लेंथ एंड विच इज बिलोंग टू अवर 6 पीरियड. तो 6 पीरियड के अंदर आपका बिलोंग करता है लेंथ एंड एलिमेंट्स, और ईच ग्रुप के अंदर क्या रहता है, जो भी ये एप्रोक एलिमेंट्स है इनके अंदर रहता है 14 एलिमेंट्स का डिवीजन, जिसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 58 to 71.
और एक्टिनॉइड आपके पास कौन सा होगा, ये सेवन पीरियड्स है, क्लियर। एटॉमिक नंबर आएगा 92, 103, यानी 90 से 103 के रेंज में आपके पास ये एटॉमिक नंबर जो लाई करते हैं, दैट इज योर एक्टिनॉइड्स। अंडरस्टैंड? सो होपफुली यू अंडरस्टैंड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक लॉ। सो थैंक यू सो मच।